नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि जब आप किसी काम को करने की तरफ सोच रहे हो और उसमें बहुत सी परेशानियां आती हैं, आप उन परेशानियों को भी पूरा कर लें और फिर उसके बाद जो आपको अचीव होता है, जो आपको मिलता है, उससे बहुत खुशी होती है। उस खुशी को आप शब्दों में बयां करना आसान काम नहीं होता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ खुशी का काम भारत के साथ हो गया है, यानी कि भारत के रक्षा निर्यात से रिलेटेड ये खबर है और बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, दरअसल चीन का जो दुश्मन देश फिलीपींस, यानी कि जो फिलीपींस है बहुत ही छोटा देश है चीन के सामने, लेकिन उनकी नोकझोंक बराबर चलती रहती है। अब फिलीपींस को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे वो चीन को रोक सके, तो उसके लिए भारत ही उसके समर्थन के लिए आया, उसके सपोर्ट के लिए आया और भारत से फिर फिलीपींस ने एक डील करी 2022 में। ये डील ये थी कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को डिलीवर करेगा, बेचेगा। ये एक डील हुई। ये डील 375 मिलियन डॉलर की थी। अगर भारतीय रुपये में बात करें तो करीब 2800-2900 करोड़ रुपए की बात बन रही है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो जो हमें डील मिली और उसको हमने बनाना स्टार्ट किया और वो बनाने के बाद आज हमने उसकी डिलीवरी भी कर दी। उसकी जो डिलीवरी करनी थी उसका फर्स्ट लॉट आज वहाँ पर पहुँच चुका है फिलीपींस में, वो डिलीवरी हो गई है। अब ये सोचिए हमने क्या किया। पहली चीज़ तो हमने एक्सपोर्ट किया, उससे फॉरेन करेंसी हमने कमाई, पहली चीज़। दूसरा, हमें डिफेंस एक्सपोर्ट में हमारा एक्सपोजर बढ़ा, क्योंकि ये है ये है ब्रह्मोस मिसाइल, सुपर सोनिक मिसाइल है और ये हमने डिलीवरी कर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक्सपोर्ट में हमने बाहर चीज़ भेजी। अब तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो दुश्मन देश है चीन, उसके सामने हमने एक ऐसा देश खड़ा कर दिया जो अब उसको खुद ललकार रहा है। देश देखने में छोटा है लेकिन उसके पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल आ गई, इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसके हौसले बढ़ जाते हैं। तो चीन जो हमारा दुश्मन देश है, इसको तो हम चाहते ही कि ऐसे हम कुछ घेर दें जिससे वो परेशान रहे, वो आपस में उलझा रहे। अच्छा, हम चीन के इतने अगेंस्ट हुए क्यों? हम चीन के अगेंस्ट इसलिए हुए क्योंकि चीन ने हमको गलवान जैसी चीज़ें दे दी, गलवान में हमें जख्म दिया चीन ने। हालांकि उसको मुँह तोड़ जवाब भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए तो बुरा ही किया था। तो हमें तो उसके लिए कुछ ऐसा करना ही है ताकि वो भी अपने बेस्ट रहे। हम ये नहीं चाहते कि हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा रहे या कोई परेशान रहे, लेकिन हमें अगर कोई परेशान करता है तो उसका तो इलाज करना ही चाहिए। तो चीन हमें परेशान ना करे इसलिए वो कुछ ऐसा आपस में उलझा रहा है, उसका दिमाग उधर ही बटा रहा है। कुछ दिमाग वियतनाम की तरफ उसका लगा रहा है, कुछ ताइवान की तरफ लगा रहा है, कुछ फिलीपींस की तरफ ऐसे ही लगा रहा है ताकि वो भारत की तरफ ज़्यादा कुछ सोचने के लिए फ्री ना रहे। अब ये मूव भारत का बहुत अच्छा है जो हमने ब्रह्मोस दे दी। ऐसे ही हमको अपने कुछ और दोस्त हैं जो चीन के विरोधी हैं, जैसे कि वियतनाम है, ताइवान है, इनको भी ऐसे ही हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट कुछ ऐसे ही बेचने हैं जिससे कि वो अपनी सुरक्षा भी कर पाएँ और हम चीन हमारी तरफ देखे भी नहीं और वो आपस में ही उलझा रहे। एक ये काम करना बहुत ज़रूरी, इससे हमें फॉरेन करेंसी भी हमको रिसीव होगी क्योंकि एक्सपोर्ट जब करेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भारत में बनी हुई मिसाइल है ये पूरी तरह से भारत की है। टेक्नोलॉजी ज़रूर हमने रूस से ली हुई है, रूस की टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग 100% इंडिया में ही हुआ है, कुछ भी बाहर का नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने अपने ही दम पर किसी मिसाइल को बनाया है और उसको एक्सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं कि हमने किसी से ख़रीदा फिर उसमें कुछ मार्जिन ऐड किया और किसी को बेच दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। या ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी और से आधी चीज़ बनवाई, आधी हमने बनाई और बेच दी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे रूस को भी बेनिफिट हुआ है, इसका कुछ जो भी प्रॉफिट आएगा रूस को भी जाएगा। अब ये समझ लीजिए दोस्तों कि अभी तक जो एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट का और जो ये हथियारों का, इसमें नाम यूएसए का आता था, इसमें नाम रूस का आता था, जो बड़ी चीज़ों को बेचते थे, बड़ी मिसाइलों को बेचते थे। अब उसमें नाम कहीं ना कहीं भारत का भी जुड़ गया है। चाइना भी बेचता है, चाइना पाकिस्तान को ही बेचता है और हमें फिलीपींस मिला जो इसको हमने चीज़ बेची है। तो भारत का एक्सपोर्ट भी अब बढ़ेगा डिफेंस के मामले में। अब ये भारत के लिए तो एक गौरव करने की बात है, बहुत ही प्राउड
मोमेंट है भारत के लिए। अब ये चीज़ें और ऐसी ही दिखती रहेंगी, क्योंकि अब ये एक बार सिलसिला स्टार्ट हुआ है, अब ये पूरा होता रहेगा। दोस्तों अब इससे जुड़ी हुई और भी अब जब डेवलपमेंट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।